तो फिर मैं आ चुका हूँ अपनी एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्रोनोस को हम DCU में कैसे देख सकते हैं बाबा। हाँ, तो फिर ब्रेथ ऑफ द टाइटंस देखने के बाद हम सबको क्रोनोस को MCU या फिर DCU में देखना है, स्पेशली DCU में, क्योंकि DCU में गॉड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए क्रोनोस की एंट्री हो सकती है। ग्रीक गॉड्स तो DC में भार भार के, हम सबको पता है कि क्रोनोस भी एक ग्रीक गॉड ही है और ये इतना पावरफुल है कि ये डूम्सडे को तक हरा दे, तो फिर इसे जस्टिस लीग विलन बनाना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और अगर क्रैकन ने, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि कैसे डेब्यू कर सकता है DCU में, अगर उसने डेब्यू कर लिया और क्रोनोस भी आ गया, तो फिर अच्छी ट्रिपल टेकर देखने को मिलेगी, क्रोनोस, क्रैकन और ऑब्वियसली डूम्सडे के बीच। और तो फिर अभी ग्रीक गॉड्स की वजह से क्रोनोस अपना डेब्यू कर सकता है, और अगर हेडिस इंट्रोड्यूस हो गए तो फिर ये पूरी गॉड की ट्रिनिटी पूरी हो जाएगी और इनके लिए थ्रेट अच्छा खासा क्रोनोस ही रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इसको एक जस्टिस लीग विलन भी बना सकते हैं, तो अगर ऐसा DC ने कह दिया तो फिर फैंस के लिए तो मज़े ही हो जाएंगे। वैसे जो मैंने बात कही थी कि हम सब ने सोचा होगा कि जो क्रोनोस है वो मार्वल या फिर DC में आ जाए, तो फिर अब वो उन लोगों के लिए था जो कि मूवीज़ मॉन्स्टर्स वाली देखते हैं, जस्ट लाइक मी। और भाई, अब मैंने तो सोच रहा था कि कोई ट्रिपल डेकर भी बना दूँ डूम्सडे वर्सेस क्रैकन वर्सेस क्रोनोस का, और अगर रिक्वेस्ट आई तो फिर मैं बना दूंगा। और भाई, मैं जिला मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए भी सोच रहा हूँ, तो फिर बता देना अगर चाहिए तो मैं बना दूंगा। तो फिर अभी ये जो क्रोनोस है ना, ये पूरा लावा का बना हुआ है, तो फिर ये डाइऑक्साइड से कनेक्टेड हो सकता है अगर DCU वाले दिखाना चाहे। पर कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, कॉमिक्स का पूरा प्लान है ये, क्योंकि जो मूवीज़ है उसमें क्रोनोस को दिखाना इतनी जल्दी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 ही स्काई फादर्स आए हैं और उनमें से एक तो मुझको स्काई फादर है लगता भी नहीं है, जो कि है डार्क साइड और ज्यूस, जो दोनों स्काई फादर्स हैं। तो फिर जो क्रोनोस है वो डार्क साइड लेवल थ्रेट है, तो फिर इसको दिखाना सही रहेगा। तो फिर अब मैंने डेब्यू की सारी थ्योरीज बता दी, ये वीडियो खत्म, गुड बाय।